मुंगेली वन मंडल के खुड़िया वन परिक्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर खेती करने का मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीणों ने खुड़िया क्षेत्र के नवा गांव दुल्लापुर सहित कारी डोंगरी क्षेत्र के जंगलों में अवैध अतिक्रमण करने और पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने लोरमी SDO दशहंस प्रकाश सूर्यवंशी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि कसरी परिसर में 200 से अधिक हेक्टेयर वन क्षेत्र में कुछ लोगों ने अवैध रूप से खेती शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर गांव वालों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी गुहार लगाई है। जो थे खुड़िया वाले, हम लड़ाई झगड़ा करके शासन हमला फैसला करके दे रही थी दुर्लापुर संग, दुर्लापुर हटाए हैं तो खुड़िया वाले मन हमार पट्टा है कही के हमार संग लड़ाई कराते हैं, जोताई कराते हैं ट्रैक्टर से। वहीं लोरमी SDO दशहंस प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खुड़िया परिक्षेत्र अंतर्गत यह पाया देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष जो बरसात जैसे स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो तुरंत ये सब चीज़ें अतिक्रमण की जो है ना, अतिक्रमण करना ये आदत हो गया है। तो इस पे प्रत्येक वर्ष अतिक्रमण को हटाया जाता है, फिर किया जाता है, हाँ ना। इस पे हमने रोक लगाने के लिए भी फिर से जितने अतिक्रमणकारी हैं सबकी सूचीबद्ध एक प्रक्रिया चल रही है, उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद तत्काल उनके भारतीय वन अधिनियम के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ग्रामीणों ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।